इन्हीं लोगों ने, इन्हीं हाँ जी हाँ जी इन्हीं लोगों ने हमारी आदतें खराब कर दी हैं। एक मैच हारने की शक्ति नहीं है हमारे अंदर भैंस की आग। लेकिन भाई लोगों, अपमान तो हुआ है, अपमान तो मेरा हुआ है, अपमान तो हुआ है मेरे पूर्वजों का। जीना मरना बाकी यार बिना साइया, हुण मैं की करा साइया, जीला मरा साइया। एक मैच की हार बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है हमारे अंदर भाई। विराट वर्सेस रोहित शर्मा हो गया एज कैप्टन, एक हार से। बहुत छोटी बातें हैं यार, थोड़ा बड़ा दिल दिखाना नहीं चाहिए हम लोगों को। लाइक सब्सक्राइब करके जल्दी जल्दी आ जाओ। हमें छोटा दिल नहीं दिखाना चाहिए। देखिए भाई लोगों, आप छोटे हैं बड़े हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। इंसान छोटा है बड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता। इंसान का बड़ा है कि नहीं है दिल, ये मैटर करता है। आज टेस्ट मैच हारने के बाद कुछ भाई लोगों ने इतना छोटा दिल दिखाया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। भाइयों, आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में क्रांति मचाने के लिए और बुलंदियां, आसमान की आसमान जैसी बुलंदियां छूने के लिए आदमी को बड़ा दिल करना पड़ता है, बड़ा दिल दिखाना पड़ता है। एक मैच हारे नहीं हैं कि विराट कोहली अच्छा था, कैप्टन धोनी भाई अच्छे थे, सौरव गांगुली अच्छे थे। भैंस की आंख अजरुद्दीन तक डिबेट चल जाती है कि कौन कप्तान अच्छा था। एक मैच हारने से भाई कुछ इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए है। देखो एक बात समझो, हमारे जो गिरधारी भाई हैं, रोहित भाई हैं, वो छोटा मोटा टेस्ट नहीं हारते हैं। वो हारते हैं ऐतिहासिक, जैसे 37 साल के बाद पिल गए, ठीक है, 36 साल के बाद पिल गए, उधर श्रीलंका में जाके ODI सीरीज ही पिल गए भैंस की आँख 26 साल 27 साल के बाद। तो ये जो बड़े बड़े काम है ना, ये संभाले हैं मेरे गिरधारी भाई ने। लेकिन भाई लोगों, बात ये है, देखो बात इतनी सी है, ये जो डिबेट चल रही है ना खामखागी ट्विटर पे, ये वो, देखो सुनो, मैं पर्सनली अपना बता देता हूँ। मैं विराट कोहली का एज कैप्टन, मैं इतना बड़ा मुरीद हूँ उसका, इतना बड़ा मुरीद था मैं उसका। अभी भी मुझे कोई कहेगा टेस्ट कैप्टन, मेरे सबसे पहले नाम निकलेगा विराट कोहली, सबसे पहले विराट कोहली का नाम निकलेगा। उसका वो कप्तानी करने का तरीका, वो शेर की तरह दहाड़ना, नोच के खो जाऊंगा सामने वाले को, ये जो एटीट्यूड है ना, ये भाई ये मैच ही नहीं हो सकता। लेकिन किंतु परंतु मेरे भाइयों, बात ये है, विराट कोहली ने एक T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करी, नहीं जीत पाए, तो विराट कोहली सबसे खराब कप्तान बन गया था। फिर सेम 2022 के T20 वर्ल्ड कप में रोहित ने कप्तानी करी, वो भी खराब कप्तान बन गया था, क्योंकि हम वर्ल्ड कप नहीं जीते थे। 10 विकेटों से वो भी हारा, 10 विकेटों से हम 2021 में भी हारे पाकिस्तान से। हिसाब बराबर, भाई भाई, ब्रो ब्रो, सेम काम करेंगे। फिर मैंने ये कहा था कि भाई अगर एक वर्ल्ड कप के बाद अगर कप्तान बदलोगे तो फिर बदलते ही रह जाओगे। कितने लोग खिलाफ थे रोहित शर्मा के 2024 के T20 वर्ल्ड कप में। अब एक बात बताओ, 2024 का T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा जीता, चीते की तरह खेला, जीता, उसके बाद क्या हुआ? डिबेट खत्म होगी ना कि T20 का अच्छा कप्तान कौन है। तो मैं यहां यह कहना चाहता हूं, 2025 की WTC फाइनल जब होगा 2025 का, अगर रोहित शर्मा वो ट्रॉफी उठा लेता है तो ये बायलैटरल की हार को ना कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा आके। मानते हो तुम लोग ये बात? 2021 का सेम अगेन वही फिर बात आ जाती है, एक WTC फाइनल में कप्तानी करने का मौका मिला विराट को, नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, इसी न्यूजीलैंड ने हमारा काट दिया था। एक WTC फाइनल में कप्तानी करने का मौका मिला रोहित को, नहीं जीत पाए, हमारा कट गया, उसमें हालांकि आधी कप्तानी थी, आधी किसी और की थी। एक पूरा WTC फाइनल कह लो या फिर दूसरी बार कह लो, क्या पता T20 वर्ल्ड कप की तरह वो WTC फाइनल भी जीत जाए। और मैं गारंटी कर रहा हूं, मैं और तुम, ये पूरी दुनिया, हम लोग ICC ट्रॉफी के यार हैं या ICC ट्रॉफी के दीवाने हैं। अगर वो किसी ने जीत ली ना तो बात खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इजी कर देता हूं, जैसे माही भाई ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता, ठीक है, एज कैप्टन जीता 2007 का वर्ल्ड कप। उसके बाद कितने वर्ल्ड कप हार गए?
हारे ना उसके बाद कितने वर्ल्ड कप, लेकिन फिर भी बैक किया गया और फिर भी पूरा एकदम शान से आगे बढ़े। और इतना लंबा कप्तान होना वाकई बहुत अच्छी बात है किसी भी टीम के लिए, टीम ना एकजुट रहती है। पर क्योंकि एक आईसीसी ट्रॉफी आते ही जीत गया था वो इंसान, होती है कई बारी किस्मत, किसी की आते ही लग जाती है, किसी की जाते जाते लग जाती है। तो ये डिबेट बिल्कुल नॉनसेंस है, इसको खत्म करो और आगे बढ़ना है, ठीक है। नहीं मतलब T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा मिट्टी को चूम लेता है तो कुछ हद तक बात समझ में आती है। वो चखना चाह रहा था कि हमने जो यहाँ वो किया है, जो हम यहाँ वो करना चाहते थे, हम यहाँ वो कर पाए। हाँ, वो भैंस की आंख तुम समझो वो क्या था। मतलब रोहित शर्मा एक ऐसा इकलौता हिंदुस्तान का प्लेयर और कप्तान है जो सिर्फ हमको नहीं, अपनी टीम को ये वो नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के सामने भी ये वो करके आ गया, कर भाई देखो मेरा ऐसा ही है। हाँ, तुम समझो भैंस की आंख, तुम समझो कि मैंने क्या कहा है, मैंने ठेका नहीं ले रखा है। तो भाई बड़ा दिल दिखाना है भाई, ठीक है, ये छोटी छोटी हरकतें करनी नहीं है, चिंदी चिंदी। तो भाई लोगों बात समझ गए हो तुम, इस टेस्ट मैच की हार को ज्यादा दिल पे नहीं लगाना है। 46 ऑल आउट के बाद एक अच्छा कमबैक किया है, अच्छा खेली है टीम। और देखो, अच्छा हम साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को 50-55 ऑल आउट कर दें वो ठीक है, वो याद भी नहीं होगा आधों को। भाई ऐसा नहीं है, हम भी करते हैं दूसरों को। ये सेम न्यूजीलैंड को हमने 62 ऑल आउट किया हुआ है मुंबई में 2021 में, आई थिंक, जाके चेक करना, वो इजाज पटेल ने जो 10 विकेटें ली थी, कोई पूछ भी नहीं रहा उसकी 10 विकेटें, क्योंकि 62 ऑल आउट कर दिया हमने उनको। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिक्कत एक है, एक जेन्युइन दिक्कत एक है, हम इंडियंस को आदत नहीं है, हम भारतीय लोगों को आदत नहीं है इस तरीके से हारने की। और घर का मतलब तो ये है कितने मैच उतने ही हम जीतेंगे, जितने मैच की सीरीज उतने हम जीतेंगे, तो ये वाली दिक्कत है। तो ये अंडरस्टैंडेबल बात है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच में भारत की करारी हार के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को पूरा कप्तान बताया जा रहा है कि ये कप्तान लाएंगे इंडियन टेस्ट क्रिकेट में, और इससे बेहतर विराट कोहली है जो क्रिकेट में शानदार कप्तानी करता है, और काफ़ी क्रिकेटरों से तुलना करते हुए रोहित शर्मा को बेकार कप्तान बताया जा रहा है। एक मैच हारने पर